अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे, तो मैं कल कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी थकान हो गई थी। अब आप लोगों को तो पता ही है, रिसोर्ट से आके बहुत ही ज्यादा थकान हो जाती है, ऊपर से बीबी है वो अलग परेशान करता है मुझसे। आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग वहां से आए उसके बाद में ऐसा हो गया, इतना तेज उसको फीवर वापिस से 102 हो गया। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो दवा ववा लेकर आए, लेकिन फिर भी उसको कुछ आराम नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद में सेकेंड डे पे शाम तक में अल्हम्दुलिल्लाह उसका थोड़ा फीवर कम हो गया, माशाल्लाह अभी ठीक है। और यहाँ पे उदापी खाना पका रही है और बस अभी जाएंगे हम लोग मेरे घर पे, वहाँ से सामान लेकर आना है। वो घर हम लोग खाली कर रहे हैं तो वहाँ से सामान लेकर आना है यहाँ पे मम्मी के घर पे। और फिर उसके बाद में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ रखना है, जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ देना है। वैसे तो आधा सामान मैं दे चुकी हूँ आंटी को, मेरे यहाँ पे जो आंटी आते हैं उनको थोड़ा बहुत सामान मैं दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत जो भी बचा है, जो यूज़ के लिए है, जो काम के लिए लगेगा वो यहाँ लेके आऊँगी, और जो नहीं लगेगा वो हम लोग दे देंगे जिसको ज़रूरतमंद जो भी रहेगा तो उसको दे देंगे। तो चलो अभी अक्षर आएगा, लेंगे एक्टिवा, उसके बाद में जाएंगे हम लोग उधर। निकल गए हैं हम लोग, जाने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग मेरे घर पे। अक्षर जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए, तो अभी वो जाएगा। मैं जब तक जो भी मेरा पैकिंग है ये सब करके रेडी रहूँगी, फिर उसके बाद में अक्षर आ जाएगा रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा सामान रहेगा और कपड़ा। हाँ बोले तू आएगा आएगा, अरे कुछ दिख रहा ही नहीं है तो आएगा ये लेने के लिए। बाप रे, अक्षर वो आईना वो हटा ना, वो मुंह पे मार रहा है। फिर उसका पूरा सामान लेकर जो भी कपड़े मुश्किल आपका तुम्हें सामान लेकर आ गई, देखो मैडम को पैकिंग रख दी है। मेरे सामान मेरे सब सही से रख रही हूँ। अच्छे से कर, अच्छे से ही कर रही हूँ। पूरा बिखरा हुआ है पूरा सब सामान सब। हाँ अभी ये अक्षत लेके जाएगा, बाकी का जो थोड़ा बहुत क्या हाँ। ये तू लेकर जाएगी, मैं नहीं लेकर जाऊंगा कहीं पे भी। गाड़ी पे लेके जा, जा। हाँ तू लेके, तो बाकी का सामान फिर मैं ले आऊंगी ना। अब बाकी भी है सामान, कितना सामान भरेगी। लेकर जा चल है ना, तू आधा लेके जाएगा तो फिर बाकी का मैं आराम से लेके आ सकती हूँ ना ऑटो में। हाँ ठीक है ठीक है। अब तू इतना फोर्स कर रही, इतना प्लीज कर रही है तो अभी मैं लेकर चला। प्लीज नहीं बोली तेरा, देख अभी बोली नहीं, ये फट जाएगी थैली, बस कर, मैं इतना वजन नहीं लेके आऊंगा। अबे वजन नहीं है, हल्का है। तो हो गया है मेरा सब काम, मैंने पैकिंग तो कर ली हूँ। थोड़ा बहुत सामान जैसे डब्बों में डालना है, खाली करना है, सब कुछ कर ली हूँ। बाप रे बहुत ज़्यादा थक गई मैं, इसलिए लेट गई। अभी अक्षत को बुलाऊँगी, शायद से वो आएगा, नहीं तो फिर वो सामान ऑटो में मेरे को लेके जाना पड़ेगा। और फिर जल्दी से घर पे जाके फिर मेरे को और थोड़ा जाना है काम की, मतलब काम से रिलेटेड कुछ जाना है। और बस तो चलो मिलते हैं बाद में घर जाने के टाइम, नहीं वैसे तो पहले ही, लेकिन फिर ऑटो में सब सामान वामान शिफ्ट करके करके फिर आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, तो हो गया है नेक्स्ट डे, ये ब्लॉग कल का आज कंटिन्यू ही रखी हूँ मैंने। कल बहुत ज़्यादा काम कर ली थी तो बहुत थक गई थी, इसके लिए मैंने शूट नहीं करी। आज भी थोड़ा काम है, फ्रिज मैंने दूसरे को मतलब दे दी हूँ, तो वो भैया भी आज लेने के लिए आने वाले हैं, तो फिर आज जाना पड़ेगा। वैसे आज मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर करना है। इंशाल्लाह अगर
आज हो जाता है, मैं जा रही हूँ जो काम के लिए, इंशाल्लाह हो जाता है तो आपके साथ में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं जो भी काम के लिए जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह। तो जैसे भी होगा तो उसके बाद में मुझे आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर करना है, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना है मुझे आप लोग के साथ में। ये वजह से इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चल रही हूँ, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो मैं वैसे आज तो घर पे शायद से नहीं जा पाऊँगी, अक्षत जाएगा घर पे मेरे, वो जाएगा तो जो भी काम है वो निपटा लेगा अक्षत, टेंशन नहीं है इतना। मैं जा रही हूँ दूसरे काम के लिए मम्मी लोग के साथ में, तो इंशाल्लाह जैसे भी होगा आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग भी तो स्टार्ट करना है मुझे। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।